ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तत्समस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीहुतम भावातीतम गगन सदसम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो आज हम श्लोक लेने वाले हैं ये गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है, 23rd। और ये श्लोक ऐसा है, गतासंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः अज्ञानयाचरतः कर्मः समग्रं प्रबिलीयते। गतासंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः अज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रबिलीयते। गतासंगस्य यानी जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, मुक्तस्य जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतसः जिसकी चेतना जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, यज्ञाय मतलब यज्ञ संपादन के लिए कर्म आचरता है, यानी करने वाले मनुष्य के कर्म का मतलब कर्म है, समग्राम यानी संपूर्ण प्रबिलियते यानी भली भांति विलीन हो गए, शाब्दिक अर्थ ऐसा है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा पुरुष जो यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। बहुत प्यारा सूत्र है। सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो सर्वोच्च सदगुरु हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, परम प्रकाशक हैं, परमानंद सागर हैं, करुणा के वरुणालय हैं, फिर ज्ञानी के बारे में विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कर्मों का विलीन होना ही ज्ञान की पूर्णता है। हम पीछे से ले रहे हैं इस चीज को, नीचे से ले रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये मुख्य चीज आदमी आखिर में बोलता है किसी बात में। तो कर्मों का जो विलीन होना है वही ज्ञान की पूर्णता है। ज्ञानी के कर्म अच्छी तरह से विलीन हो जाते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये संसार और कर्म, इसका बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा नाता है। यूं सर्व समझो अच्छी तरह से कि ये एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है। कर्म संसार पर आश्रित है और संसार कर्म पर आश्रित है, यानी एक दूसरे से कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। संसार के होने का कर्मों से बड़ा गहरा संबंध रहता है। यूं समझो कि एक सूत है, उससे चादर बनी है। यदि संसार चादर है तो कर्म उसके सूत है। यूं समझो कि संसार यदि सागर है तो कर्म उसकी बूंद है। ये समझो कि संसार यदि आग का कुंड है तो कर्म उसका अंगारा है। यानी कर्म जो है वो संसार का रचयिता है, कर्म जो है वो संसार को बनाता है, संसार को प्रकट करता है। और ये बड़ी भ्रांति है, कर्म बहुत बड़ी भ्रांति है। ये कर्म जो है इतनी बड़ी भ्रांति है कि जीव को कर्ता बनाती है। शुद्ध आत्मा है जीव, चैतन्य है जीव, परमात्मा है जीव। रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या है जीव? ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, उसमें कोई मल नहीं है, सहज है और सुख की राशि है, आनंद स्वरूप है। किसको ज्ञान होता है? जीव को ज्ञान होता है। किसका पागलपन नष्ट होता है? पागल का पागलपन नष्ट होता है। अच्छे आदमी का तो पागलपन नष्ट नहीं होता। ब्रह्म को तो ज्ञान होता नहीं, परमात्मा को तो ज्ञान होता नहीं, आत्मा को तो ज्ञान होता नहीं। ज्ञान किसको होता है? वह आत्मा और अनात्मा के बीच में जो भ्रांति है वो टूटती है, उसको वो ज्ञान होता है। इसलिए जीव को ज्ञान होता है। इसलिए कर्म क्या है? कर्म जीव को कर्ता बनाता है। कर्म जादू है, जिस जो जीव पर चल गया है, कर्म रूपी जो जादू है वो जीव पर चल गया है। जैसे किसी आदमी पर जादू चल जाए तो जादूगर चाहता है बस वो आदमी वही काम करता है, ऐसे कर्म एक जादू है जो अविद्या ने, जो माया ने जीव पर चला दिया है। कर्म का होना ही संसार का होना है। अगर कोई आदमी अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, बिल्कुल पांचों इंद्री खत्म हो जाए उसकी, फिर उससे पूछो कि संसार क्या है, तो कह उसको समझ में नहीं आएगा कि संसार क्या है। इसलिए हालांकि वो अज्ञानी है फिर भी उसको संसार उसके लिए नहीं रहेगा। इसलिए यह जो जीव पर जो जादू चला है तो कर्म का होना है, ये संसार का होना है। और कर्म से क्या होता है? कर्म से कर्ता होता है। और कर्ता से क्या होता है? कर्ता से भोक्ता होता है। फिर कहता हूं समझो ध्यान से, कर्म से कौन होता है? कर्म से कर्ता होता है। और कर्ता से कौन होता है? कर्ता से भोक्ता होता है। और भोक्ता से कौन होता है? भोक्ता से बंधन होता है। और बंधन से क्या होता है? बंधन से जन्म होता है। और जन्म से क्या होता है? जन्म से मृत्यु होती है। और मृत्यु से क्या होता है? मृत्यु से फिर जन्म होता है। ऐसे चक्र चलता है कर्म का। अब कर्म बंधन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अरे कर्म बंधन को तोड़ने के लिए कर्मों का साक्षी होना पड़ेगा। सांप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सांप से बचने के लिए सांप का साक्षी होना पड़ेगा कि भैया सांप है किधर, कहां से निकल रहा है, कहां से जा रहा है, आप उससे बच सकते हो। तो कर्म से बचने के लिए कर्मों में साक्षी होना पड़ेगा। ये साक्षी होना हम सिखाते हैं। साक्षी से क्या होना पड़ेगा? साक्षी से दृष्टा होना पड़ेगा। दृष्टा होने से क्या होना पड़ेगा? दृष्टा से अकर्ता हो जाता है आदमी, अकर्ता से अभोक्ता हो जाता है आदमी, अभोक्ता से जानने वाला बन जाता है जो जानता है, और अभोक्ता को जो जानता है वो जाग जाता है, और जागरण में समस्त प्रकार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये श्लोक क्या कहता है? गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। तो आसक्ति किसकी सर्वथा नष्ट होगी? जिसको कि जागरण हो जाएगा। जागरण के पहले आसक्ति नष्ट नहीं हो सकती। तो क्या होता है? कुछ तेरा और मेरा ये बिल्कुल नहीं रहता। फिर जागरण के बाद मोह चला जाता है, भय चला जाता है। अब क्या है? कोई वस्तु आपको मिल गई। हमारे आश्रम में नई नई कार आई, मतलब अब क्या हुआ? हमारे आश्रम में जो सेवक थे वो रात को दो दो तीन बार उठ उठ के कार को देखते, कहीं कार ठीक से रखी है कि नहीं है, कोई उसको खनौस तो नहीं मार गया है, किसी ने कार को जो है धक्का दे के चुरा तो नहीं रहा है, ऐसे। तो क्या है ये? आश्रम में जो भक्त थे उनको कार में आसक्ति थी, जो चीज मिल गई उस चीज को चली ना जाए, खराब ना हो जाए, कोई उठा ना ले, कहीं ये ना ऐसा ना हो जाए, ये आसक्ति होती है। इसको आसक्ति कहते हैं। ये आसक्ति जो है ये बिना जागरण के जाती नहीं। और आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति से भय उत्पन्न होता है। और भैया कार ना ले जाए कोई, मेरा बंगला ना कोई ले ले, मेरा धन ना कोई चुरा ले, मेरा मेरी मान प्रतिष्ठा ना हो जाए खराब। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कोई फिक्र ही नहीं करता। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक ज्ञानी नाव में सफर कर रहे थे। ज्ञानी का सिर घुटा हुआ था,
सिर में बाल थे, मतलब मूछ और दाढ़ी मुड़वाई हुई थी उन्होंने, बहुत दिन हो गए होंगे, तो कटवा लेंगे, यानी कोई ढोंगी थोड़े होते हैं कि बाल रखेंगे नहीं कटवाएंगे। अब उन्होंने हाथ, एक आदमी बैठा बगल में तो उनकी खोपड़ी पे हाथ फेर रहा, उसको बड़ा मजा आ रहा, क्योंकि ज्ञानी के बाल बुरु माथे के छोटे छोटे बाल, उसको हाथ फेरने में मजा आ रहा, ज्ञानी चुपचाप से बैठे हुए। ज्ञानी ने कोई न राग रखा ना द्वेष रखा। बगल में एक ठाकुर साहब बैठे थे, उनसे बात सहन नहीं हुई, उन्हें उल्टे हाथ का एक मिला के दिया उसमें जो हाथ फेर रहा था। ज्ञानी को उसमें भी कोई हर्ष नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि ज्ञानी को जुड़ाव नहीं होता है किसी चीज से, उनको आसक्ति नहीं होती, उनको लगाव नहीं होता, वह जागरण के साथ सब कुछ चला ही जाता है, वो सब चला जाता है। ये श्लोक जो है इसके माध्यम से सद्गुरु भगवान ये बता रहे हैं कि आसक्ति के बिना ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना आसक्ति नहीं जा सकती। आसक्ति बिना जागरण के, बिना 100% होश को संभाले बिना जाती नहीं। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, अब अगला जो इसका श्लोक का शब्द आ रहा है वो इसमें आएगा, आएगा कि आपने संसार संसार की वस्तुएं तो आपने छोड़ दी, आपने माता पिता छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, आप जंगल में चले गए, मकुटिया बना के रहने लगे, आपने लहसुन छोड़ दी, आपने प्याज छोड़ दी, आपने अदरक छोड़ दी, आपने सब छोड़ दिया, ये तो बाहर बाहर की चीजें तो आपने छोड़ दी, लेकिन आपके अंदर जो अंदर मन में जो वासना थी वो आपकी गई नहीं, आपके शरीर का जो मोह है वो आपका गया नहीं। तो इसको भगवान कह रहे हैं देहाभिमान, देह को मैं और मेरा मानना, देह को मैं मानना, इसको कहते हैं देहाभिमान। तो क्या कहते हैं, मुक्तस्य जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। गता संगस्य का तो अर्थ समझ गए, अब मुक्तस्य का अर्थ समझेंगे। मुक्तस्य का मतलब है जो देहाभिमान से मुक्त हो गया हो, जिसका देह का अभिमान चला गया हो। तो देहाभिमान का मतलब क्या हुआ कि देह को मैं और मेरा मानना। आप सभी जानते हैं, इतने प्रवचन आपने सुने, ये देह तो जड़ है और आपके आवागमन के कारण आपका देह में आना हुआ जीव का, इसलिए आपने देह को अपना घर बनाया। और कोई आदमी अगर ये कह के घर में हूं तो उससे बड़ा कोई मूर्ख तो हो नहीं सकता। ये शरीर आपका घर है और आप कहते हो ये तो मैं हूं, तो ये अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को देह मानता है। और जब देहाध्यास हो जाता है, देहाभिमान हो जाता है, देहाशक्ति हो जाती है, जब देह को मैं मान लिया जाता है, तो सदगुरु शिष्य से क्या कहता है जो अपन भजन में गाते हैं, सच्चिदानंद तू नित्य निरद्वंद तू जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। तू दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, देह में दीवाना हो गया है तू, जबकि तू तो सच्चिदानंद है। तो सदगुरु क्या करता है कि ज्ञान कराकर आपको देह के अध्यास से मुक्त कराता है। और देह के अध्यास से जो ही आप मुक्त होते हैं, क्यों ही आप, आपकी जो विदेह यात्रा है, विदेह कहते थे जनक को, आप विदेह हो जाते हैं, आप जनक के समान हो जाते हैं, तब आपकी भान अवस्था प्रारंभ होती है और जागरण में आप उतरते हैं। साधक और यह देह अध्यास, इसको अच्छे से समझ ले, जब साधक जो है भान अवस्था में उतरता है तब कहीं ये देह अध्यास छूटता है। और ये देह अध्यास की जो ममता है, ममता का मतलब जानते हैं, मधनमता, अपने आप को, अपने शरीर को अपना आप मानना, ये बहुत बड़ी ममता है। इससे बड़ी ममता और भला क्या होगी। आपके शरीर में थोड़ी सी बीमारी हो जाए, थोड़ा सा दर्द हो जाए, कोई परेशानी हो जाए,
आप लोकल डॉक्टर को दिखाओगे, उसको 500-300 रुपए फीस दोगे, आप कैथोलॉजी में जाओगे, आप पैथोलॉजी में जांच करवाओगे, आप बड़े बड़े अस्पताल में जाओगे, वहां आप आईसीयू में भर्ती होगे, आप और बड़ी आपके पास पैसा होगा, आप अमेरिका जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप इंग्लैंड जाओगे, आप जर्मनी जाओगे, आप जगह जगह जाके अपना इलाज तो करवाओगे, क्योंकि आपको अपना शरीर बचाना है। आप अपनी जितनी ऊर्जा, जितना पैसा, जितना सामर्थ्य इस शरीर को बचाने में खर्च करते हो, परंतु आपको मालूम नहीं है शरीर तो कितना ही खर्च कर लो, एक दिन जाना ही है। लेकिन कभी आपने अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर सोचा? अगर बचपन से आप अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में सोचते तो शायद है कि शरीर आपका 200-250 साल जी सकता था। क्यों? कि आपकी बीमारी की जड़ आपका शरीर नहीं है, आपकी बीमारी का जड़ आपके सूक्ष्म शरीर है। आपका आपके सूक्ष्म शरीर के बारे में अगर हम इसकी बीमारियों के बारे में लिखना चालू कर दें, जिससे यह सड़ रहा है अंदर अंदर, तो रामायण के बराबर पन्नों की किताब केवल नाम लिखने में भर जाएगी। मैं तो थोड़ा सा इनकी बीमारियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। अगर पूरे भारत का एक सर्वे कर लिया जाए, विदेश छोड़ ही दो, हर व्यक्ति व्यक्ति की बीमारियां देखी जाए, तो उसमें मानसिक रूप से जो बीमार लोग होंगे वो लगभग लगभग जो है 80% लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई छोटी मोटी सूक्ष्म शरीर की बीमारी है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस देश में इतनी अशांति, इतना दंगा, इतना कलह, इतनी परेशानी, इतना दुख, इतना तनाव नहीं होता। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों के या विश्व के लोगों के सूक्ष्म शरीर बीमार है। तो मैं कुछ बीमारी आपको बताऊंगा और आप ध्यान से सुने, जिसे तनाव ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है, एंजाइना ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है और तनाव की अधिकता से होता है, ये ब्लड प्रेशर ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है, ये ज्यादा चिंता फिक्र करने से होता है, चिंता और फिक्र ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है। ऐसे हेडेक होना, हार्ट अटैक होना, ब्लड प्रेशर होना, सिजोफ्रेनिया, मेनिनजेनिया, फोबिया है ना, साइकिक डिसऑर्डर, भूत प्रेत का भ्रम हो जाना, लग गए हैं भूत प्रेत, परसेप्शन, मिसोस्टिज्म है ना, और डिसऑर्डर ऑफ ट्रांसपेप्टिसाइड, ऐसी हजारों तरह की बीमारियां हैं जो शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक बीमारी हैं, जिनका संबंध ममता से होता है। अगर आप ममता से रहित हो जाएं तो ये बीमारी आपकी बच सकती हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यदि आपको ममता से रहित होना है तो आपको इस देहाध्यास को छोड़ना होगा और जागरण में खड़े होना होगा। आपको आपको ध्यान करना होगा। अब एक बात मैं यहाँ कह देता हूं कि यहां पर विश्व में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, विदेशों में लोग कुंडली जगा रहे हैं साहब, कुंडली योगा, और उसके नाम से बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं। लोगों को बाहर की चीज समझ में आती है, छूछा, फूफा, फुकू 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 करा करते हैं, है ना। मैंने वो इंटरनेट पे बहुत सारी उनकी वो देखी हैं। तो क्या है ये कुंडली जगाना, ये एकाग्रता, ये चक्रों की साधना, ये कोई ध्यान व्यान नहीं है, ये ध्यान कदापि नहीं है, ये तो और उल्टा ध्यान से आदमी को भ्रमित करना है, भटकाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे चित्त में नित नई भ्रांतियां खड़ी हो जाएंगी, कल्पनाएं खड़ी हो जाएंगी। तुमने किताब में पढ़ लिया है फलाने चक्र में फलाने रंग की ज्योति दिखती है, ढिकाने चक्र में ढिकाने रंग की ज्योति दिखती है, यहाँ सांप दिखता है, वहां मगर दिखता है, वहां फलाना दिखता है, वहां ढिकाना दिखता है, और लगे साहब नई नई कल्पनाओं में। इसलिए ये जो अभी जो समय, जो अभी समाज के अंदर ये ध्यान की विधियां सिखाई जा रही हैं, ये ध्यान की विधियां और भी साधक को भटका रही हैं, ये गोरख धंधा है, ये सुलझने की जगह उलझने की तरफ ले जा रही हैं, उलझा रही हैं। इसलिए चित्त का निरंतर परमात्मा में जो लीन होना है, चेतना को चित्त से पृथक जिसने जान लिया है, चेतना को जानकर जिसने उस कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस के पीछे जो चैतन्य खड़ा है, उस चैतन्य को जान लिया है, जिसने चेतना की चेतनता जिसके कारण हो रही है उसको जान लिया, उस शक्ति का नाम है चेतना। और चैतन्य की तरफ अगर मुंह कर लिया उसने तो तुरंत अस्तित्व का साक्षात्कार उसका हो जाता है। चेतन ही अस्तित्व का है, अस्तित्व की किरण है,
ये आपका जो चैतन्य है यानी आपका जो जीवन है जिसको जीवन भी कहते हैं, ये आपके अस्तित्व का ये किरण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में आगे कहेंगे अर्जुन से कि जीवस्य जीवनो हम, मैं जीवों का जीवन हूं। इसका ये अर्थ है ज्ञानावस्थित चेतना चेतना, ये ज्ञानावस्थित चेतना का अर्थ है ना। तो ये आगे जो है भाई, ये शरीर को ले लो ग्रुप में, ये इसका ज्ञानावस्थित चेतना का मतलब है। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो मात्र यज्ञ के लिए कर्म करता है, ऐसा जो पुरुष है जो मात्र यज्ञ के लिए कर्म करता है, यज्ञ के लिए कर्म करने का मतलब है, यज्ञ का मतलब है यह यानी वह ज्ञान यानी ज्ञान, वह ज्ञान के लिए कर्म करता है, वह ज्ञान को जानकर कर्म करता है, अथवा ज्ञान को जानने के लिए कर्म करता है, अथवा ज्ञान प्राप्त होने के बाद परमात्मा की सेवा में जिज्ञासुओं को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कर्म करता है, ऐसा उनको ज्ञान का हस्तांतरण कराने के लिए कर्म करता है, इसको हमने परमार्थ कहा है। अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे कर्म जो है यज्ञ कर्म कहलाते हैं। जैसे आप पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें से क्लोरीन गुजारते हैं, तो क्लोरीन तो गुजर जाती है और पानी का कचरा कूड़ा नीचे गिर जाता है और पानी शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी जो है वो अपने भक्तों के अंदर जो है वो ज्ञान का संचार करता है, वो ध्यान वगैरह के माध्यम से और ये काम करके उसको भक्तों के अंदर से अविद्या का कचरा ठीक कर देता है और वो गुजर जाता है, क्लोरीन की तरह निकल जाता है, वो किसी से बंधता नहीं, उसको कोई बंधन में डाल नहीं सकता। ज्ञान और ये जगत ये दो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग डायमेंशन हैं। जागने और सोने में, दिन और रात में जो फर्क है, जो अंतर है, वही अंतर जो है ज्ञान और अज्ञान में है। क्या सपने और जागृत ये दोनों एक हो सकते हैं? सपने की माया जागृत में और जागृत की माया सपने में दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। क्या रात और दिन की स्थिति में रात में क्या धूप निकल सकती है, सूरज चमक सकता है क्या? अगर सूरज चमक जाएगा तो रात कैसे होगी वो? इसी तरह से ज्ञानी के समस्त कर्म जो है ना वो उस क्लोरीन के समान विलीन हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि ज्ञानी के कर्म तो होते ही नहीं भैया, क्योंकि ज्ञानी तो अकर्ता अभोक्ता आत्मा में सदैव हर क्षण जीता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा अकर्ता है। आओ इसे जानो और भगवान का यह जो संदेश है श्लोक के माध्यम से इसको आप सार्थक करो। और फिर एक बार दोहराता हूं, शाकाहारी बनो और ध्यान करो और अपने अंदर की कॉन्शियसनेस यानी अपने अंदर की चेतना को जगाओ और परम चेतन को प्राप्त करो। सद्गुरु भगवान की जय। शिव।